हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो नया ब्लॉग लेके मैं आ गई चाय के कप के साथ। गुड मॉर्निंग सबको। तो सुबह चाय पीना सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरा, क्योंकि इस 2 मिनट में बैठती हूँ, ये मेरा सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है। अच्छा लगता है चाय पीने से, माइंड भी फ्रेश होता है और मतलब पूरा दिन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। सुबह सुबह चाय पी के अभी इसका जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। अभी सडनली मैंने देखा है क्या बनाना है, अभी मैं बनाऊंगी, उसके बाद उसको दूंगी क्लास में। तो अभी ये ऑनलाइन क्लास कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन कर रहा है। अभी तो आप लोगों को पता है मेरा जो बाहर से मैं लोगों को खाना देती हूँ, देखिए आ आ आ पानी भी दे दूंगी। ये दौड़ के आ गया पानी देने के लिए। देखा ये देखा, लोग खा रहा है। दिए दाओ दिए दाओ दाओ दाओ। तो पिजन है ना, वो लोग को खाने नहीं दे रहा है, ये खुद खाएगा, पानी खाएगा। হ্যাঁ খাক, তুমি সরে যাও সরে যাও। তাই লোক কুচ খানে দেনে সে দেখি ये भी पागल हो जा रहा है। तो शाम की तरफ चले गए एक भैया के दुकान पे, वहाँ पे इनवाइट किया था, पूजा था, और मंदिर में भी हम लोग चले गए। अभी चिकन बनाऊंगी। जीरा मेरा जो छोटा डब्बा है ना उसमें खत्म हो गया है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, अलग से रखती हूँ, क्योंकि हम लोग सैटरडे वेज खाते हैं, तो इसीलिए अलग से रखती हूँ, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता। जब वेज खाना हो तो ये सब निकाल लेती हूँ, हो जाता है, और एक्स्ट्रा करके रखती हूँ। बस ये दे के मैं मेरीनेट करके रख दूंगी थोड़ा बहुत, उसके बाद जाऊंगी उसको थोड़ा स्टडी करवाना है, लेकिन नहीं तो नहीं होगा। मैं अगर नहीं जाऊंगी ना, वो नहीं बैठेगा, एकदम ही नहीं बैठेगा। और ऑयल भी एकदम कम देके बनाऊंगी, जितना कम हो सके, मतलब ज्यादा कम तो नहीं दे सकते ना, तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, ज्यादा एकदम ज्यादा कम नहीं। और ये होता है ना जो बॉयलर मतलब बॉयलर होता है ना, उसमें ज्यादा ऑयल देना नहीं पड़ता है। हो गया रेडी, अभी मैं रख दूंगी इसको और उसको पढ़ाई ले जाऊंगी। उसका पढ़ाई जो है खत्म हो गया, अभी मैं बना रही हूँ चिकन। ये रेसिपी मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, मैं दही से बना रही हूँ उसको। तो और भी मैंने कुछ कुछ मसाला ऐड किया है इसमें, ये इतना यम्मी दिखाई दे रहा है ना। और ये राइस हो रहा है, क्या बना रहा है, रोटी बना रहा है। वाह सुंदर अच्छे, तो इटा घोड़ा हम घोड़ा ए ए ए बना बना। वाह ভালো লাগছে, আইটু দাও আইটু দেব, এই যে এটা এটা দিয়ে বানাও বানাও, আইটু দেব বানাও, গোল করো, শেষ হয়ে আছে তো, ওটা লাগে না তো, এখানে তো অনেকগুলো আছে, সেটা দিয়ে গোল করো। মধ্যে বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তারপরে তুমি এখানে
ভাই হইছে তো দেখো পাপা গোল বানিয়েছে কি সুন্দর এই দেখো এই দেখো দাও না দাও না আচ্ছা 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 ঠিক আরো বড় করবে ऐसा हेल्पर हो तो और किसी का जरूरत नहीं है मुझे। वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर्कल बनाओ सर्कल बनाओ सर्कल सर्कल बीजिए देवे क्या ओवन देवे तावर उपरे देवे वाह वेरी गुड की भालो हच्छे ये सुंदर तो ये এখন কি করবে এখন তো রাখব কোথায় তাওয়াতে হ্যাঁ তাওয়াতে ভিজাবো গ্যাসটা জ্বালাও আগে গ্যাস জ্বালাও ছুস করে গ্যাস জ্বালাও বানা বানা ওখানে ওখানে করতে হবে ও বাবা হয়ে গেছে এখন এই ছাকনি দিয়ে ছাকো এই যে উঁচি ছাকনি নাও ছাকো হয়ে গেল দাও এখন প্লেটে দাও না এই যে প্লেট আরে এটা তো এই যে না প্লেট না এটাই এটা না এটা তারপরে পাখিকে বানিয়ে দেবো হ্যাঁ এটা পাখিকে বানিয়ে দেবো ঠিক আছে বলবো এটা কৃষির দাদা বানিয়েছে তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও হ্যাঁ बाय माय फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा प्लीज थैंक यू फॉर वाचिंग बाय